हम उनको बधाई देते हैं जन्मदिन का, हमारे अभिभावक हैं उनको जन्मदिन का बधाई। लेकिन आज जो पटना में जो गांधी मैदान में जो रैली हो रही थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। मतलब जनता दल यूनाइटेड का लोग जान रहा था, नीतीश कुमार जी जान रहे थे कि वो गांधी मैदान का 5% भी हिस्सा नहीं भर सकते, इसलिए उन्होंने रैली का नाम दे करके कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोगों में आत्मविश्वास उन लोगों ने खो दिया। यानी ये बात समझ में आ गई है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं करती, अब उनका विदाई तय है कि नहीं है? अरे हाथ उठा करके साबित कीजिए, कैमरा जितना हाथ एक बार घुमा लीजिए, कैमरा हाथ उठा करके बताइए विदाई तय है ना? और यही कैमरा मैन से हम अनुरोध करेंगे, बिहार के मीडिया से अपील करेंगे कि जितने नौजवान बेरोजगार हैं वे हाथ उठाए, एक बार अच्छे से फोटो ले लीजिए, सभी बेरोजगार हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी विदाई तो तय है, जाते जाते कुछ तो हमारे नौजवान को रोजगार दे दो, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मोतिहारी में चीनी मिल बंद है, ये खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव में, बोले थे कि मोतिहारी का चीनी मिल जो है, सुन लो भैया, मोतिहारी का जो चीनी मिल है उसको हम खुलवाएंगे और अगले बार आएंगे तो इसी चीनी का चाय जो है वो पिएंगे। ठगा गए ना? अरे ठगाए कि नहीं ठगाया? अब बताओ, चीनी मिल खुलता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? अरे मिलता ना रोजगार, डबल इंजन का सरकार। हम तो नीतीश जी से कहते हैं हम बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे नहीं निकलते अगर आप हमारे 7 करोड़ नौजवान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था कराते हैं। अगर नीतीश जी, बात सुनिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, या तो आप बिहार के लोगों को नौजवान भाइयों को रोजगार दो, नहीं तो हमारी बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन कीजिए। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा ना? अरे दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो रोजगार दे नहीं तो हमारे बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन करे। आप बताइए, हम लोगों से मिलते रहते हैं नौजवान लोग जो है एकदम परेशान है। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का बहाली निकला था 125 सीट पर। क्या बहाली का क्या पद था? माली का, ग्रुप डी का, माली का, चपरासी का। और आवेदन कितना है 125 सीट में? लगभग 5.5 लाख नौजवान भाइयों ने आवेदन देने का काम किया। और कौन लोग थे चपरासी और माली में बहाली देने वाले, आवेदन देने वाले लोग? एमबीए किए हुए, बीटेक किए हुए, बीएड किए हुए, पीएचडी किए हुए लोग जो है संजय के आवेदन दे रहे। यानी डिग्री होते हुए भी बिहार के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। हम लोगों को दुख होता है, पीड़ा होती है। ये बताने में अभी सर्वे के मुताबिक एक आंकड़ा आया, बिहार का 50% जो लोग है, परिवार जो है 50% वो पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे यानी बिहार का हर दूसरा परिवार में से कोई ना कोई दूसरे राज्य या देश जाकर के अपने रोजी रोटी को ढूंढने का काम कर रहे हैं। सिर्फ कमाई के लिए नहीं, दवाई और इलाज के लिए भी बाहर जा रहे हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर जाने का काम कर रहे हैं। जो लोग ट्यूशन पढ़ना चाहते तो कोटा भाग जाते हैं,
कोई लोग जो है महाराष्ट्र चले जाते, कोई लोग बैंगलोर चले जाते, जाता है कि नहीं जाता सर? यानी बिहार का लाखों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, बिहार का पैसा यानी बाहर जा रहा है, यानी बाहर के प्रदेशों का तरक्की हो रहा है। हम क्यों नहीं अच्छा स्कूल कॉलेज, हम क्यों नहीं कोचिंग सेंटर, हम क्यों नहीं कारखाने फैक्ट्रीज, हम क्यों नहीं अच्छे अस्पताल यहाँ बना दे, क्यों नहीं हम पर्यटन का ऐसा व्यवस्था करें, मोती झील को हम ऐसा विकसित करें ताकि देश विदेश से लोग आकर के देखते आएगा तो बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बाहर का भी पैसा जो है बिहार आएगा। पर्यटन से लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी मोती झील है, कितना लोग भ्रष्टाचार करके इसका खा गया सारा पैसा, सफाई वाला हुआ कि नहीं हुआ घुसखोरी? अगर मोती झील अगर अच्छे से विकसित करेगा, अभी वापस जाने के क्रम में हम मोती झील जाएंगे देखने के लिए, और हम आप लोगों से वादा करते हैं ये डबल इंजन की सरकार मोती झील को पर्यटन स्थल बनाए, साफ कराए ना कराए, लेकिन आपके भाई आपके बेटे की सरकार आएगी, गरीब की सरकार आएगी तो इसको अव्वल नंबर का पर्यटन स्थल बनाएगा। जितनी चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको खुलवाने का काम करेंगे। बिहार में बिहार सरकार ने लाखों रिक्त पद खा लिए, 50,000 सिपाही का खा लिए, डॉक्टर का खा लिए, प्रोफेसर का खा लिए, शिक्षक का खा लिए, हर जगह देखिएगा काफी जो है खाली पद है, उसको भरा नहीं गया है। आते ही जो है हम अब रिक्त पद जो है उसको भरने का काम करेंगे, लाखों नौजवानों को हर एक क्षेत्र में रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा में पीछे से नहीं, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने सरकार से मांग की, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, हम लोगों ने बोला कि बिहार के लोग जो है दूसरे राज्य जा रहे, पलायन कर रहे, दूसरे राज्यों में कानून है कि स्थानीय आरक्षण लागू है, जो मिसाइल लागू है, तो बिहार के लोगों को वहां लाठी डंडा मिलता तो भेज दिया जाता, बाहर भी रोजगार नहीं मिल रहा, और बिहार में भी जो कुछ जो नौकरी निकलती है वो भी बाहर के लोग आकर के रोजगार ले लेते हैं, बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमने बोला कि डोमिसाइल कानून लागू होना चाहिए, डोमिसाइल कानून होगा तो जितने बिहार के लोग हैं 90% आपको रोजगार मिलेगा बिहार में, 90% यानी बाहर के राज्यों के जो लोग आते हैं बिहार में, वो आपका जो अधिकार है वो उनको ना चला जाए, आपका ही आपका अधिकार मिले, इसलिए जो मिसाइल कानून बिहार के हित के लिए है, बिहार के नौजवानों के लिए है, उनको रोजगार दिलाने के लिए है। आपसे हम लोग वादा करते हैं, सरकार आप लोग बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? जोर से बोलिए, बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करें, डोमिसाइल कानून को लागू करें। आज देखिएगा खेल कूद का भी क्षेत्र पीछे पड़ गया, पढ़ाई तो ऐसा हो गया बिहार में, गुणवत्ता खत्म हो गई है शिक्षा में, एक भी बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा होता है? हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी देखो दरोगा बाहर है, प्लेटफॉर्म पूरा ट्रेन